सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हास नगर शहर में धोखादायक इमारतों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी ही एक घटना में गुरुवार दोपहर कैप्टन के दशहरा मैदान परिसर के रामायण नगर के सामने द्वारका धाम नामक चार मंजिला बिल्डिंग की बेलकॉनी एक दूसरे पर गिर गयी। इस घटना में कोई जानमाल हानि नहीं हुई। मनपा प्रशासन व अग्निशमन दल मौके पर पहुंचकर इमारत में रहने वाले दो परिवारों को खाली करवा दिया। गुरुवार दोपहर 4 बजे के दरमियान दशहरा मैदान परिसर पर द्वारका धाम के चौथी मंजिल का स्लैब तीसरी मंजिल से होते हुए नीचे तक गिर गया। ये घटना की जानकारी मिलते ही मनपा प्रशासन के सहायक उपायुक्त गणेश शिम्पी, फायर ब्रिगेड अधिकारी बालूनेट के उल्हास नगर पुलिस स्टेशन की टीम सहित कई अधिकारी व कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच गए। मनपा कर्मचारियों ने इमारत के बी विंग में रहने वाले दो परिवारों को बाहर निकला। मनपा सहायक आयुक्त गणेश शिम्पी ने जानकारी दी कि द्वारका धाम इमारत जर्जर हालत में थी। इस इमारत में 66 फ्लैट हैं। इमारत का नोटिस भी दिया गया था। पिछले दिनों दत्तराय जाधव ने इमारत में रहने वाले कई परिवारों को सकुशल बाहर किया था। दो परिवार वी विंग में रह रहे थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसमें रहने वाले लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण गुरुवार को इमारत का हिस्सा गिर गया।